हेलो दोस्तों, स्वागत है राशि उपचार में। दोस्तों, आज मैं आपको पी अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2021 में पी अक्षर से नाम वाले लोगों के लिए 2021 का राशिफल बताने जा रही हूँ। इसमें हम जानेंगे पी अक्षर से नाम वाले लोगों का स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले साल 2021 में। तो देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। न्यूमरोलॉजी के आधार पर पी लेटर 8वें नंबर के स्थान पर आता है और 8 नंबर अंक ज्योतिष में शनि का होता है। यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो यह अक्षर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत पड़ता है जिसका स्वामी सूर्य है और कन्या राशि में पड़ता है जिसका स्वामी बुध है। इसका तात्पर्य यह है कि पी लेटर वाले लोगों के लिए साल 2021 में शनि, सूर्य और बुध के अनुसार उनकी शुभ अशुभ स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं कि आने वाले साल आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन। पी नाम वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन आपका जीवन साथी आपके लिए एक आदर्श जीवन साथी की भूमिका निभाएगा और आपकी कई कामों में मदद भी करेगा। आपको अपने ससुराल के लोगों से भी विचार विमर्श करने और कई मुख्य बातों पर चर्चा करने से काफी लाभ होगा। इस साल के मध्य से आगे तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे और कुछ तीर्थाटन भी कर सकते हैं। जीवन साथी आपको भाग्य को बढ़ाने में आपका साथ देगा। वर्ष के मध्य के बाद निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी महक उठेगा। अब बात करते हैं पी नाम वालों की शिक्षा। यदि शिक्षा की बात की जाए तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही फोकस करके पढ़ने का होगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी और आपकी शिक्षा में व्यवधान आएंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें और दम लगाकर मेहनत करनी होगी। हालांकि आंशिक सफलता के योग वर्ष के मध्य में बनेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रैल से आगे का समय शुभ रहेगा और आपको मनपसंद शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन। प्रेम संबंधी मामलों के लिए पी नाम वाले लोगों को सकारात्मक रुख दिख रहा है। पिछले वर्ष की भांति यह वर्ष उतना संघर्षपूर्ण नहीं रहेगा और आप अपने प्रियतम के साथ काफी खुश नजर आएंगे। उनसे बातें करना, उनके साथ वक्त बिताना और कहीं घूमने फिरने जाना आपको बहुत पसंद आएगा और आपको इसके मौके जरूर मिलेंगे। वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे में अगर आप उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। हर वर्ष की शुरुआत में अपने प्रियतम से किसी भी प्रकार के झगड़े से बचें, क्योंकि इस समय यदि ऐसा हुआ तो आपके रिश्ते में टकराव और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में आपके किसी खास मित्र का अहम योगदान होने वाला है। पी नाम वाले लोगों की आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। हालांकि वर्ष के शुरुआती 4 महीने ही ज्यादा ध्यान देने के होंगे, उसके बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आमदनी में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगी, जिनसे आर्थिक तौर पर आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। व्यापार के माध्यम से आपको जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे और आप अपने काम के साथ दान पुण्य करने में भी रुचि दिखाएंगे। इससे सामाजिक तौर पर भी काफी अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। इस वर्ष प्रयास करने से आपको प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य। इस वर्ष आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी कमर का रखना होगा, क्योंकि कमर दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र और जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं बीच बीच में उभर कर सामने आ सकती है। इनसे बचने के लिए स्वयं को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। याद रखें, लापरवाही खतरनाक हो सकती है। करियर और व्यवसाय। यदि करियर और दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ष आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा, लेकिन एक बात और, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में आपको उतना प्रतिफल नहीं मिल रहा है जितने के आप असली में हकदार हैं। लेकिन निराश ना हो और अपने काम जारी रखें। साल के अंतिम महीनों में
आपको कुछ बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को साल के मध्य में ट्रांसफर की स्थिति बनेगी और वह ट्रांसफर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा और अपने काम पर फोकस करना जरूरी होगा। इसके साथ ही साल के शुरुआती दो महीने में अपने साथ काम करने वाले पर ज्यादा निर्भरता ना रखें, क्योंकि उससे आपके काम में गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, अब आप अपने नाम के राशि के हिसाब से कैसे उपाय कर सकते हैं, जानते हैं। आपको इस वर्ष अपने आलस्य का त्याग करते हुए शनि चालीसा का पाठ करना होगा और माँ दुर्गा की उपासना करनी होगी। इससे आपके राह में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और 2021 बेहद ही शुभ साबित होगा। मैंने और भी नेम लेटर्स के वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं अपने नेम के हिसाब से। धन्यवाद।